Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, let's start the new chapter, that is the necklace. Recently we have completed the chapter the making of a scientist, so our next chapter happens to be the necklace. Necklace ka matlab kya hota hai beta? Haar ya mala. मैंने आपको बताया बेटा, टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल. टाइटल का बहुत बड़ा रोल होता है. शायद जब चैप्टर का नाम है द नेकलेस, तो इसका मतलब पूरी कहानी हमारी इस नेकलेस पर ही सर्कल करेगी, राउंड करेगी. अवश्य ही ये नॉर्मल कोई नेकलेस नहीं है, सामान्य कोई हार नहीं है, सामान्य कोई माला नहीं है. यह किसी के जीवन को बदल देता है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. चलिए देखते हैं कि क्या है स्टोरी इस नेकलेस की. एक्चुअली बेटा, अगर कोई छोटा आदमी है, छोटा आदमी इन द सेंस कह सकते हो बहुत अमीर ना हो, नॉर्मल हो, गरीब हो, और अगर उसे बड़े लोग पैसे वाले याद करते हैं समय समय पर, तो गरीब आदमी जो होता है, पुअर पर्सन जो होता है, अपने को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता है. इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि एक गरीब को कोई खास व्यक्ति, कोई स्पेशल पर्सन याद करता है. चलिए देखते हैं. एक्चुअली इसमें मिस्टर और मिसेज लॉयजल होते हैं, और लाइजल यानी मिसेज जो लाइजल है उनकी हम बात करते हैं. शादी होने से पहले उनकी एक तरह से बहुत ज्यादा अभिलाषा होती है, विशेष होती हैं, और बड़े परिवार से होती हैं, और धनाढ्य परिवार से, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होती है. लेकिन उनकी शादी एक सामान्य कर्मचारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सामान्य कोई एक क्लर्क से शादी हो जाती है. एक सामान्य क्लर्क से शादी हो जाती है, किसकी? लॉयजल की. लेकिन वो हमेशा खुश नहीं रहती है, क्योंकि उनकी लग्जरियस लाइफ प्रभावित होती है. जो इमेजिनेशन, जो कल्पना, जो ड्रीम उनका होता है, शायद नहीं पूरा हो पाता है. राइटर ने शुरू में लिखा हुआ है, जब इसको हम पढ़ते हैं, जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, शायद इसमें नेकलेस में एक लाइन आई हुई है कि भाग्य की गलती होती है. शायद भाग्य की गलती होती है, भगवान ने कुछ गलत उनके साथ किया कि ऐसे परिवार में उनको भेज दिया. एक सामान्य परिवार में उनकी शादी होती है, सामान्य क्लर्क से शादी हो जाती है, लेकिन उन्हें हमेशा टीस बनी रहती है, क्रोध गुस्सा लगा रहता है, और सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं होता है. हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है, हमेशा एक तरीके से सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं रहता है. और वो जो होता है, कौन? सामान्य जो क्लर्क होता है, वो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि ऐसी लड़की से मेरी शादी हो गई, जो कुछ वो बना देती है, खिला देती है, और वो कहता है कि इससे अच्छा मैं खाया ना, बहुत अच्छा बनाया. तो एक्चुअल में उस लड़की को तो अपना पुराना फॉर्मल लाइफ, पहले वाला सब कुछ याद आता है. चलिए बात करते हैं. सामान्य जीवन ऐसे चलता है लॉयजल का, जब एक सामान्य क्लर्क से शादी हो जाती है. लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक बार इनविटेशन आता है. और एजुकेशन मिनिस्टर की जब बात मैं करता हूं बेटा, तो एजुकेशन मिनिस्टर सामान्य लोगों को इनवाइट ऐसे नहीं करते हैं. उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो ऑफिशियल डिपार्टमेंट, जितने ऑफिसर रैंक होते हैं, वो सारे आते हैं. लेकिन एक बड़ा आदमी एक छोटे आदमी को, जिसकी हैसियत बहुत कम है, कहने का मतलब बड़ा और छोटा, बेटा बार बार मैं बड़ा और छोटे की बात कर रहा हूं, इसका मतलब धनवान और गरीब, एक गरीब परिवार और एक धनवान परिवार. तो यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं वो इनवाइट कर देते हैं किसको? इस क्लर्क को, जिनके यहाँ शादी, जिससे इसकी शादी होती है, किसकी? लॉयजल की. अब यहां पर क्या होता है,
एक्चुअली जब शादी हो जाती है चलो ठीक है एनी हाउ सर्वाइव तो करना है, लेकिन उसके अंदर उस क्लर्क के अंदर भी हमेशा एक भाव रहता है अंदर से कि मैं इनको खुश करूं। पूरा बेचारा प्रयास करता है लेकिन छोटी नौकरी है क्या कुछ कर सके। अब वो जब एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं अपने यहाँ फंक्शन पर इनवाइट करते हैं, कार्ड देते हैं, वो कार्ड लेकर के आता है, मन में उसके विचार चल रहा होता है कि जब मैं कार्ड दूंगा तो सी विल बी वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश हो जाएगी इस इनविटेशन कार्ड को देख करके, ये सोचते हुए कि इनको कभी मौका नहीं मिलता बाहर जाने का और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये जो इनविटेशन आया हुआ है इस कार्ड को देख करके उसकी वाइब जो है बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, उस इनविटेशन कार्ड को देखते ही वो मुंह बना करके, मुंह बनाने का मतलब बेटा नाराज होकर के गुस्से में आकर के उस एनवेलप को उस कार्ड को टेबल पर ऐसे फेंक देती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, नाराज हो जाती है। अब वो बेचारा उनके इस चेहरे को देख करके बहुत ही उदास होता है कि अब बताता है कि ये जो मैं इन्विटेशन कार्ड ला करके दिया हूं सबको नहीं मिला है, जो बहुत खास है स्पेशल है उन्हीं को ये कार्ड मिला हुआ है। लेकिन उसकी वाइफ कुछ मानने को तैयार नहीं होती है, वो कारण जानना चाहता है कि अब ये इतना ज्यादा आक्रोशित गुस्से में क्यों आ गए। तो बात करने लगती है मेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है और ये बेटर होगा ये इन्विटेशन कार्ड आपके साथ जो काम करते हैं उनको दे दो ताकि उनकी पत्नी जाए उनके पास अच्छे कपड़े होंगे, अब वो पार्टी में फंक्शन पर जाकर के वहां पर एंजॉय कर सकती है। ये इन्विटेशन कार्ड मेरे लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। अब वो बेचारा बहुत उदास हो जाता है। अब कह रहे तू क्या करे, मैंने आपको बताया बेटा छोटा है पैसा बहुत ज्यादा है नहीं उसके पास। लेकिन जब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा आक्रोशित होकर के गुस्से में आकर के नाराज हो जाती है, एनी हाउ वो उनसे पूछता है आप ये बताइए, पहले तो एक दो बार कहता है कि वो वाला ड्रेस पहन लो। कौन सा ड्रेस पहन लो? जो ड्रेस हम लोग एक बार थिएटर में गए थे पहन करके, वो वाला ड्रेस पहन लो, वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उससे भी वो तैयार नहीं होती है और उनके इस मूड को देख करके, इस व्यवहार को देख करके बेचारा कुछ पैसा बचा करके किसी तरीके से रखा होता है कि आगे हम हंटिंग में जाएंगे इस चीज को लेकर के, इससे ये खरीदेंगे। लेकिन वो भी पूछता है अच्छा ये बताओ एक कोई ऐसा ड्रेस जो एक दो मौके पर एक दो अवसर पर काम आ जाए लगभग कितने तक का आ जाएगा। तो अब उसकी पत्नी ने अगर तुरंत जवाब दे दिया होता कि इतने का आएगा तो हो सकता है वो ना हो, लेकिन वो कंजूस आदमी था उससे पैसा निकलवाना था तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा विचार विमर्श ऐसे लगे कि जैसे अंदर से वो कुछ सोच रही हो, थोड़ा सा एक दो सेकंड का रिफ्लेक्शन किया सोचा, इसके बाद उन्होंने फिर आंसर दिया लगभग 400 फ्रैंक्स के आसपास जो है इतने का आ जाएगा। चलो ठीक है एनी हाउ वो मैनेज कर लेता है। अब फिर क्या है, अब उसको लगता है कि चलो ठीक है मेरी पत्नी अब मान गई, पहली बात तो ठीक है इन्विटेशन कार्ड मिला सेटिस्फाइड नहीं थी, अब कपड़े नहीं थे कपड़े की भी व्यवस्था हो गई इतने पैसे। अब क्या हुआ, अब वो फिर नाराज हो जाती है। अब क्या है, अब नाराज होती इस बात को लेकर के फिर वही बात होती है कि शायद कोई किसी कलिक को दे दो, कोई आपके साथ काम करता उसकी यहाँ वही सही रहेगा, वो कोई अब मेरे पास पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है, कोई आभूषण नहीं है पहनने के लिए। अब ये प्रॉब्लम आ गई, कपड़े की व्यवस्था तो हो गई कपड़े का अरेंजमेंट तो कर दिया लेकिन अब उसके पास आभूषण नहीं है पार्टी में पहनने के लिए, एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ पर जाना है, अब क्या करे, बहुत ज्यादा परेशान हो गया मैनेज कैसे करे। तो बहुत ज्यादा परेशान थी वो, ऐसे सोच ही रही थी अचानक उसकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था फॉरेस्टियर, जिनका नाम था क्या बेटा फॉरेस्टियर। तो तुरंत माइंड में आया कि उसकी पत्नी की जो फ्रेंड थी फॉरेस्टियर, मटिल्ला की जो फ्रेंड थी फॉरेस्टियर, उन्होंने अब ये सोचा कि उसकी फ्रेंड जो है फॉरेस्टियर बहुत ही धनाढ्य है, धनाढ्य मीन्स रिच, बहुत ही धनवान है, पैसे की आभूषण की कोई बात ही नहीं बहुत ज्यादा उनके पास है। तो ये जो क्लर्क था अपनी पत्नी यानी मटिल्डा से उसने कहा कि आपकी जो फ्रेंड है फॉरेस्टियर उनसे एक मौके पर उधार ले लो। फ्रेंड किस लिए होते हैं, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, आपने बेटा कहावत सुना होगा कि दोस्त वही जो संकट के समय प्रॉब्लम के समय काम आए,
तो तुरंत ये विचार जब आता है तब वो मटिल्डा यानी स्क्लर की वाइफ जो है थोड़ी सी खुश हो जाती है। अब जब खुश हो जाती है, चलो बोल, जाती है, कहां पर जाती है, फॉरेस्टियर के यहाँ पर जाती है। और धीरे धीरे, पहली बात तो मिलना बहुत कम चाहती है, क्योंकि आप जानते हो बेटा, दो फ्रेंड हो और दो में से एक बहुत आगे निकल जाए, आगे निकलने का मतलब धन दौलत की दुनिया में बहुत ज्यादा धनवान हो जाए और एक गरीब रह जाए, तो थोड़ा सा कम्पिटिटिव फीलिंग्स आती है, इसलिए वह फॉरेस्टियर के यहाँ नहीं जाना चाहती। लेकिन अपने पति के सजेशन पर, एडवाइस पर वो जाती है और उनसे डिमांड करती है कि मुझे इस मौके पर पहनना है, आभूषण चाहिए, इसके लिए वह उनसे डिस्कस करती है, बताती है। तो उसकी फ्रेंड जो है फॉरेस्टियर ला करके दो तीन बॉक्स रहता है, उसमें दिखाती है, ये ले लो, ये देख लो। तो अब कपड़े की तो व्यवस्था हो गई है, अब कपड़े के हिसाब से आभूषण भी चाहिए। आपको बेटा पता होना चाहिए कि लेडीज जो होती है, जिस कलर का जो कलर होता है उनके कपड़े का, मैचिंग का ही आभूषण पहनना पसंद करती है। तो उन्होंने, उसकी फ्रेंड ने ला करके दिखाया कि ये देख लो, वो देख लो, तो दो तीन ऑर्नामेंट निकाल करके देखा, इधर उधर देखा, ब्रेसलेट क्या है, नेकलेस कुछ देखा, कुछ पसंद नहीं आया। और जब बेटा किसी से कोई चीज उधार मांग रहे हो तो खुल करके बात की भी नहीं जाती है, बेशक उसकी फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये ले लूं। इस तरीके से अपनी फ्रेंड से यानी फॉरेस्टियर से मटिल्डा ने कहा, मटिल्डा मीन्स बेटा इस क्लर्क की पत्नी, इस क्लर्क की पत्नी जो मटिल्डा है, मटिल्डा ने फ्रेंड से, फॉरेस्टियर जो बहुत धनवान है, उनसे कहा कि मैं ये ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा एज यू विश, जो आपको पसंद आए, एक दो बॉक्स उसके अलावा ला करके रख देती है। देखते देखते एक डायमंड नेकलेस वो आता है, उसको देखती हैं और जो है पहनती हैं, देखती हैं, और तब उनको अच्छा लगता है कि ये वाला हार बहुत अच्छा है, जो डायमंड का नेकलेस है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुटेबल लगता है और बहुत ही मैचिंग का लगता है। अब उसको पहनने के बाद मटिल्डा बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एक्सट्रीमली प्रेटी लग रही है, सुंदर लग रही है बहुत ज्यादा। अपनी फ्रेंड से ये कह करके, किससे कह करके, फॉरेस्टियर से, वो नेकलेस लेकर के घर आती है। और अब धीरे धीरे पार्टी का समय भी आ गया है, जो एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से इनविटेशन आया है, अब लोग इनविटेशन पा करके बहुत खुश है। अब एजुकेशन मिनिस्टर के घर पर पहुंचते हैं, पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहां मटिल्डा खूबसूरत तो पहले से ही थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान की गलती से, भाग्य की गलती से वो उसकी शादी एक नॉर्मल क्लर्क से हो जाती है। अब नॉर्मल क्लर्क से शादी होने के बाद अब वो करे क्या करे, उसकी तो कोई गलती नहीं है, सुंदर तो थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब उसे नेकलेस भी मिल गया, ये हार भी मिल गया, तो बहुत सुंदर लग रही है। अब पार्टी में बस सेंट्रल फिगर कौन है, मटिल्डा है, हर किसी की निगाह मटिल्डा पर है, जितने वहां यंगस्टर्स हैं, जितने लोग हैं, हर कोई मटिल्डा के साथ डांस करना चाहता है। कुल मिलाकर के बेटा पार्टी किसके यहाँ हो रही है और सेंट्रल फिगर कौन बन रहा है, आप समझ सकते। लेकिन ये सब ट्रांसिएंट रहता है, कुछ समय तक रहता है। धीरे धीरे अब मटिल्डा वहां सेंट्रल फिगर रहती है, हर कोई उसे अप्रिशिएट करता है, हर कोई उसके साथ फोटो निकलवाना चाहता है, हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता है, बहुत ही जो है खुश रहती है। अब लेकिन जब पार्टी खत्म हो जाती है, लोग अपने अपने घर पर आते हैं, तो मटिल्डा भी आती है। अब मटिल्डा जब घर पर पहुंचती है, जब मिरर के सामने होती है, शीशे के सामने एक बार याद करती है कि रात में तो मैं बहुत खूबसूरत दिख रही थी, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, हर कोई मेरे साथ डांस करने के लिए एक्साइटेड था। अब एक बार फिर वही झलक देखने के लिए मिरर के सामने खड़ी होती है, शीशे के सामने से, तो वो नेकलेस गायब था, मिसिंग था, कहां पर गिर पड़ा, टूट गया, क्या हुआ, ये देख करके मटिल्डा की आवाज निकल जाती है, चिल्ला पड़ती है, काफी प्रयास करती है, अपने हस्बैंड से बताती है, लोग बहुत इधर उधर ढूंढते हैं, रास्ते में ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन सारा गोज इन वेन, बेकार होता है सब, सारा प्रयास, ऑल एफर्ट्स गोज इन वेन, यू कैन से, सारा प्रयास जो है बेकार हो जाता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब फिर क्या होता है, अब बात आती है बेटा, जो अपनी फ्रेंड से नेकलेस लेकर के वो आई हुई थी, उसको तो रिफंड भी करना है,
अब रिफंड कैसे करें, वो नेकलेस तो गायब हो गया। अब मीटिंग होती है आपस में, लोग करते हैं कैसे दिया जाए, उसके फ्रेंड ने उसको, उसके हस्बैंड ने उसको सुझाव दिया कि एक लेटर लिखो, उसमें बता दो कि थोड़ी सी कुछ रिपेयरिंग या ऐसी बताया, उसको रिपेयर करके हम एक दिन दो दिन ऐसा करेंगे, थोड़ा सा कुछ कोई कड़ी टूट गई है, इस तरीके से बताया उन्होंने। तो चलिए उसके कहने पर उन्होंने जो भी किया, अब एनी हाउ इतना तो कर दिया, लेकिन अब उसके दिमाग में है कि गरीब तो पहले से थे, अब उसके लिए क्या किया जाए, कैसे उस नेकलेस को वापस किया जाए, प्रश्न ये था। अब बेटा अब देख लो, अभी तक मैंने आपको बताया मटिल्डा सेंट्रल फिगर बनी हुई थी, लेकिन अब हालत क्या होगी, जो हालत होने जा रही है बहुत ही दर्दनाक, समय ने उसको कैसा बना दिया। अब सुनिए कहानी बड़े ध्यान से सुनना। अब उसको वापस करने के लिए जो यूजर्स होते हैं, जो सूदखोर होते हैं, पैसा ब्याज पर देते हैं, उनसे पैसा उन्होंने वापस, उनसे पैसा लिया, इंटरेस्ट पर पैसा लिया, बहुत ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पर लिया उन्होंने, कई जगह से उन्होंने पैसा लिया, और जहां पर वो काम करते थे वहां पर ओवर टाइम करना शुरू कर दिया, जो हाई बिल्कुल हाई प्रोफाइल का इस तरीके से रूम ले रखा था, सब कुछ चेंज कर दिया, घर से जो नौकर काम करते थे घर पर सबको जो है रिलीव कर दिया, सारा काम खुद करने लगी, जो मार्केटिंग के लिए सर्वेंट थे उनको भी रिलीव कर दिया, खुद मार्केट का काम करने लगी, मार्केटिंग करने लगी, शॉपिंग करती थी सब कुछ, और शॉपिंग करते समय एक एक दो दो रुपया बचाती थी सभी में से। कुल मिलाकर के बेटा इतना ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पर लिया, बैंक से लिया, इतना पैसा लिया, और लेकर के 18 जितने का था उसका नेकलेस, जा करके जो है वैसा ही नेकलेस जैसा कि फॉरेस्टियर का था, एक दूसरा नेकलेस जो है दुकान से, वो शॉप से वो खरीदती है और अपनी फ्रेंड को, फॉरेस्टियर को वापस लेकर के चली आती है। पैसा इंटरेस्ट पर लेकर के, बैंक से लेकर के, लोगों से लेकर के उन्होंने वो नेकलेस तो दूसरा मैनेज कर लिया। अब मैनेज करने के बाद प्रश्न ये था कि जो पैसा इंटरेस्ट पर इधर उधर से मैनेज किया था उसको तो वापस भी करना था, ये इतना आसान नहीं था बेटा। इसके लिए उन्होंने ओवर टाइम स्टार्ट कर दिया, मैंने बताया ना, नौकर को भी रिलीव कर दिया, खुद काम करने लगी, ओवर टाइमिंग, उसका हस्बैंड भी काम खूब ज्यादा करने लगा, मटिल्डा भी खूब काम करने लगी। ये सारा कर्ज चुकाने में 10 साल लग गए उसको, 10 साल बेटा, 10 ईयर्स, इट टुक 10 ईयर्स, 10 साल लग गए बेटा। बस एक नेकलेस मैंने आपको बताया था, ये हार, इस हार को, ये तो मिसिंग हो गया, गायब हो गया, कहां गया वो तो चैप्टर पढ़ोगे फिर पता चलेगा, लेकिन ये गायब हो गया। आप फॉरेस्टियर से उधार लेकर के आई थी, उनको तो वापस करना था, इसके लिए दूसरा उन्होंने वापस दिया, लेकिन बहुत जगह से पैसा लेकर के दिया। अब उस पैसे को लोगों को देने में, बैंक को विद इंटरेस्ट के साथ रिफंड करने में 10 साल लगे। अब 10 साल की ये जो जिंदगी थी, जो फूल सी मटिल्डा थी, कितनी कोमल नाजुक थी, अब इतनी हार्ड हो जाती है, अब वो चेहरा नहीं रह जाता, बूढ़ी ओल्ड दिखने लगती है, और सारा सब कुछ जो नाजुक था, डेलिकेसी जो सब कुछ कुछ था, खत्म हो जाता है। जो कोमल दिखती थी, सुंदर दिखती थी, प्रेटी दिखती थी, सेंट्रल फिगर थी बेटा, सब कुछ इस 10 साल में खत्म हो गया। कर्ज जो पैसा उधार ली थी उसको बस पेमेंट करने में, उसको वापस करने में 10 साल लग गए बेटा, सोच सकते हो। ये 10 साल की जिंदगी मटिल्डा की और उसके हस्बैंड की बहुत ही कष्टजनक थी, बहुत ही कष्टदायक थी, दुख पहुंचाने वाली थी। बहुत मुश्किल से 10 साल ये गुजरे, 10 साल में वो काफी बूढ़ी दिखने लगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखो बेटा, उसकी जो फ्रेंड फॉरेस्टियर थी वो आज भी जवान है, आज भी सुंदर है, आज भी धनवान है। ऐसे ही बाद में एक बार आते जाते जब 10 साल बीत गए, पेमेंट हो गया, तो अब मटिल्डा भी सोचती है अब तो हमारे पैसे पूरे हो गए। एक दिन लास्टली क्या होता है, अंत में जाते समय उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर कहीं से आ रही होती हैं और ये जा रही होती हैं, दोनों की मुलाकात हो जाती है। किसकी मुलाकात होती है बेटा, ध्यान से सुनना, मटिल्डा की और वो उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर जिन्होंने वो नेकलेस उसे उधार दिया, दोनों की मुलाकात होती है। तो मटिल्डा बोलती है, लेकिन फॉरेस्टियर इसको पहचान नहीं पाती है। क्यों पहचान नहीं पाती है, उसकी फ्रेंड थी लेकिन पहचान नहीं पाती है, क्योंकि मटिल्डा अब सुंदर नहीं रही, अब जवान नहीं रही, अब बूढ़ी हो गई है और कठोर हो चुकी है, अब वो नाजुक नहीं रही।
लेकिन जब वो बताती है मैं फ्रेंड मटिल्डा हूं, तब फॉरेस्टियर को बहुत जो है निराशा होती है इसकी हालत को देख करके। लेकिन मटिल्डा उसके पीछे वो कारण बताती है कि फ्रेंड जो आपने नेकलेस मुझे उधार दिया हुआ था, और पूरी कहानी बता देती है कि उधार दिया था, मैं वहां गई और वो गायब हो गया, उसके लिए मैंने दूसरा नेकलेस खरीदा और आपको मैंने वापस किया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के, मतलब सारी हालत बता देती है। लेकिन जब फॉरेस्टियर को ये पता चला कि मेरी फ्रेंड मटिल्डा ने ऐसा किया, तो फॉरेस्टियर बहुत थंडरस्ट्रक, बिल्कुल जो है अवाक रह जाती है, अवाक मतलब सरप्राइज्ड हो जाती है, चकित हो जाती है। उन्होंने कहा कि फ्रेंड मेरा वाला जो नेकलेस था ये तो डुप्लीकेट था, ये ओरिजिनल नहीं था। लेकिन बेटा सब कुछ टाइम जा चुका था। कहने का मतलब जो फॉरेस्टियर ने उसे उधार दिया था मटिल्डा को, फॉरेस्टियर वाला नेकलेस डुप्लीकेट था, लेकिन जो मटिल्डा ने फॉरेस्टियर को वापस किया जिसके लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो ओरिजिनल था। बेटा इसी पर कहानी का अंत होता है। छोटी मोटी बातें और कहानी में आएंगी, जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके, थैंक्स।